हेलो ब्रिवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी आयोग द्वारा यूपी लेखपाल का जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है और आज के अखबार में इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ छपी हुई हैं। कुछ न्यूज़ पॉजिटिव हैं जो आपकी डीवी स्किप में बहुत ही बिग फैक्टर होंगी और कुछ न्यूज़ बहुत ही निगेटिव हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये निगेटिव न्यूज़ इतनी क्यों फैलाई जा रही है, क्यों आखिर सोशल मीडिया के माध्यम से लेखपाल के जॉब के प्रति इतनी नेगेटिव न्यूज फैलाई जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्यों कम रहेगी फाइनल, तो अपने वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप में से लगभग 85% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपको जानकारी होगी लेखपाल की न्यूज़ जो है शुरू से ही हमेशा नेगेटिव फैलाई जा रही है। स्टार्ट में जब आपका एस्टर की आया तब बताया गया कि जो कट ऑफ होगी 85 होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से किसी ने 85 बताया, किसी ने 83 बताया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये कौन से यूट्यूब चैनल्स थे और क्यों इन्होंने इतनी ज़्यादा कट ऑफ बताई, इसके बारे में आपको भली भांति जानकारी है। और अब न्यूज़ फैलाई जा रही है कि यहाँ पे आपका बहुत बड़ी धांधली हुई है, लगभग 15,000 संदिग्ध जो हैं ये 27,000 में हैं। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे कि क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं, क्या माइंडसेट है इन लोगों का इतनी नेगेटिव न्यूज़ फैलाने का। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर में अखिलेश ने लेखपाल भर्ती पलटा पर उठाया सवाल, बिना गिरफ्तारी महिला अभ्यर्थी पर आरोप पत्र दाखिल, ठीक है। 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम पर उठे सवाल। तो ये सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाया था और उसका स्पष्टीकरण भी आयोग के द्वारा आपका दे दिया गया था। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आयोग ने पूरे स्पष्टीकरण दिया कि क्यों रितु सिंह, जी हाँ ये बहुत ही चर्चित हस्ती बन गई है इस समय, क्यों रितु सिंह जी को लिया गया है डीवी के लिए, क्यों उनको कॉल किया गया है, इसके बारे में आयोग ने पूरी स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इतनी जो नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही है, ठीक है, जो कि यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, कई सारे टीचर्स हैं या फिर टीचर्स नहीं है केवल अपना चैनल चला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो इतनी नेगेटिव न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मान लीजिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको देखने वाले जो बच्चे होंगे वो मैक्सिमम 27,000 होंगे क्योंकि इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, तो 27,000 जो होंगे मैक्सिमम देखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि ये बनाऊँ कि लेखपाल में बहुत नकल हुआ है और पूरी निगेटिव न्यूज़ जिसमें भर दूँ, तब इसको देखने वाले जो होंगे ये 2,12,000 बच्चे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी इस न्यूज़ को देखेंगे। तो पूरा खेल जो है यहाँ पे व्यू का है, भले वो कहें कि उनको व्यू नहीं चाहिए, लेकिन वो यूट्यूबर्स जो हैं आपके जो कट ऑफ है ये 70 नंबर लेके जा रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स हैं आपको किसी को जानकारी होगी जो 70 और 72 पे फाइनल कट ऑफ लेके जा रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी कट ऑफ है 75 से 76 के बीच में होगी, आप जाके हमारी पुरानी वीडियोस को पूरा खंगाल लीजिए, मैंने हर जगह यही बोला है 75+ आपकी डीवी की कट ऑफ होगी। और जो मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पे बच्चों की संख्या आपकी 1.5 गुना न बुला के 3 गुना बुला जा रहा है, तो मैं शाम तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि जो बच्चों की संख्या है ये 1.5 गुनी ही है, साथ ही साथ कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है आपकी फाइनल की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो UPSI का लेंगे, ठीक है, आपका जो UDA LDA की भर्ती हुई है इसको लेंगे। तो आप और भी किसी एग्जाम के बारे जानते हैं, आप चाहिए तो उसका डाटा मुझे भेजिए, मैं उन सबका एग्जाम्पल लेकर बताऊँगा कि लेखपाल में आपकी कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। बात की जाए डीवी स्किप की, तो डीवी स्किप को लेके मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपकी कहीं और जॉब है जिसका ग्रेड पे 2,000 है, ठीक है, या फिर 2,000 से ज़्यादा है, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पूरी कोशिश कीजिएगा डीवी स्किप करने का। अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं तो आप डीवी स्किप जरूर कीजिएगा, इससे एक परिवार का भला होगा। और कितनी डीवी स्किप हो सकती है इसके बारे में चर्चा करूँ, तो अभी तक जो डीवी स्किप होने वाली थी लगभग 2,000 से 2,500 के आसपास होने वाली थी, क्योंकि आप जानते हैं लेखपाल से पहले बहुत ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो आपकी हो चुकी हैं, इसके बारे में बताऊंगा। कम से कम 20 वैकेंसी ऐसी है जो लेखपाल के एग्ज़ाम होने के बाद से लेके और लेखपाल का रिजल्ट आने तक डीवी का लगभग 20 वैकेंसी हो चुकी है। तो ये जो संख्या है लगभग 2,500 के आसपास होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा बूस्ट मिला है, और बूस्ट ये मिला है आज के न्यूज़पेपर देख सकते हैं आप कि 8 महीने में पूरी होगी CGL की भर्ती। ये जो यहाँ पे सीटें हैं वो 36,000 हैं
और आपको पता है उत्तर प्रदेश के लड़के कितने मेधावी हैं, इसका जिक्र मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर 36,000 में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लगभग 15 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, 10 से 15 बच्चे जिनके इस सीजीएल में 300 प्लस मार्क्स हैं, और मैं श्योर हूँ कि इतने मार्क्स पर तुमको एक अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, तो वो बच्चे भी आपकी डीवी स्किप करेंगे और एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ से अगर सीजीएल का रिजल्ट आपका आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक हफ्ते के अंतर्गत, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है कि 5 तारीख तक, ठीक है, 5 तारीख तक आपका जो आपका फॉर्म फिल करना है, ठीक है, उसको फिल कराया जा रहा है, उसके बाद से एक हफ्ते के अंतर्गत आपका जो रिजल्ट है इसको दे दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, देख सकते हैं, 5 मई तक जो है विभागों का विकल्प लिया जा रहा है और उसके बाद एक हफ्ते में आपका जारी कर दिया जाएगा। तो अगर एक हफ्ते में जारी किया जाता है ये रिजल्ट, या फिर 2 हफ्ते भी लेते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और डीवीएस की मुहिम जो है बहुत ही सर सर के बोलेगी और कम से कम 3,000 से लेके 3,500 के आसपास डीवीएस की होगी। तो मैं पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में, जिसमें मैं पूरी डाटा के साथ आपको शेयर करूँगा, ठीक है, बताऊँगा कि आपके जो कट ऑफ है ये 80 क्रॉस नहीं करेगी। मैं बता दूँ, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि 80 प्लस कट ऑफ बताने वाले चुप रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 80 प्लस जो कट ऑफ बता रहे हैं कि जाएगी, वे चुप रहें, शांति से बैठे रहें, कट ऑफ आपकी 80 प्लस नहीं जाएगी और मार्केट में बहुत सारे भ्रम फैलाए जाएंगे। 80 प्लस जाने का कारण आप लोग जानते हैं, कोर्स सेल करना है और क्या ही बोले, यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया जा रहा है कि 15,000 जो संदिग्ध हैं ये आपके 27,000 में। अरे भैया, 27,000 में इतने बच्चे हैं ना, आप अगर समझेंगे, अगर आप तैयारी किए हुए हैं, आपके आपने ईमानदारी से तैयारी की हुई है, आपको पता है कि जो कट ऑफ है ये जेन्यून कट ऑफ कह सकते हैं आप इसको, कि कट ऑफ आपकी जो है, बच्चे सच में मार्क्स लाए हुए हैं। मेरे साथ कई बच्चे हैं जिनके 85, 83, 87 मार्क्स हैं, मैं कई बच्चों को जानता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी नकलची थे, हाँ कुछ बच्चों ने नकल की है, मैं इससे बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन इनकी संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है। और आयोग ने भी स्पष्टीकरण में कहा हुआ है कि उन्होंने जिन बच्चे से, जो बच्चे संदिग्ध हैं थोड़े बहुत, उनको भी डीवी के लिए बुलाया गया है और डीवी में उन लोगों की छटनी करेंगे। आप भी जानते हैं यूपीएसआई में भी ऐसा हुआ था। तो मेरी उन बच्चों से निवेदन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा नकल किया हो या फिर थोड़ा भी नकल किया हो, तो डीवी में ना जाएं, क्योंकि डीवी में ही जो आयोग है उनकी ढिलाई करेगा। तो आप लोग डीवी से दूर रहिए, अपनी अदर एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। आपके अदर एग्ज़ाम आने वाले हैं वीडियो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसी जाने वाली हैं, तो इस पर आप फोकस कीजिए। और हाँ, इसमें भी नकल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने इंटरव्यू देखा होगा आयोग के अध्यक्ष का, तो आपको जानकारी होगी कि नकल अब नहीं चलने वाला है, ठीक है। रही बात नकल की, तो हमने जो कट ऑफ बताई थी डीवी की लगभग वही गई, और फाइनल की कट ऑफ भी वही जाएगी जो हमने आज से 7-8 महीने पहले, जब 15,000 संदिग्ध की बात नहीं हो रही थी तब बताई थी, वही रहेगी, ठीक है। तो अपने परेशान मत होइए, कट ऑफ आपके बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, 80 प्लस कभी नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको लेके एक शाम तक वीडियो आपको लेके आऊँगा, जिसमें मैं यूपीएसआई जूनियर असिस्टेंट के जो एग्जाम हुए हैं उन सबके डीवी के रिजल्ट से कंपेयर करके बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए डाटा एनालिसिस करने में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे द्वारा जो भी न्यूज़ देती है बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं नकल का थोड़ा कह रहा हूँ कि नकल नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इससे गुस्सा होंगे, लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ जो फैक्ट है, और शायद यही दो टुक बोलने की वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।